अगर आपने बालों की शाइन के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए सब कुछ कर कर देख लिया है, तो आज सिर्फ एक ओनली वन इंग्रेडिएंट्स जो कि एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, इसको इस्तेमाल करके देख लीजिए और कुछ ही हफ्तों में आप इसके बहुत अच्छे रिजल्ट पाएंगे। कुछ भी नहीं करना, आप चाहें तो इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकती हैं, वो आपकी च्वाइस है, जो कि मैं आपको आगे जाके वीडियोज़ में बताऊँगी। एक आपने सिर्फ ओनली वन जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है वो है जी अलसी के बीज, जिसे हम फ्लैक्स सीड भी कहते हैं, वो आपने लेने हैं, जो कि आपके बालों को सॉफ्ट करने में, आपके बालों में की नरिशमेंट में, और उसके अलावा आपके बाल जो फ्रीजी हो चुके हैं उनको रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और यहाँ तक कि आपके बालों की वॉल्यूम को भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपके बालों में से डैंड्रफ को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक ग्लास पानी, आप चाहें तो अपने बालों के हिसाब से इसे कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड। आपको ये किसी भी पंसारी की दुकान से जो है वो मिल सकते हैं, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड जो है ये हमारे बालों को बहुत ज़्यादा नरिश करती है, हमारे बालों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र पैदा करती है जो कि हमें ज़रूरत होती है, हमारे बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करती है, नरमो मुलायम करती है, जिससे हमारे बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं, जिससे हमारी पर्सनैलिटी जो है वो बिल्कुल टोटल चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 1 ग्लास वाटर लिया और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने जो है वो अलसी के बीज डाल दिए हैं। अब मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से तकरीबन 5 या 10 मिनट आप इसे पकाइएगा, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल शैम्पू की तरह ये देखें झाग आ रही है इसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पर एक टिप देती जाऊँ, बहुत लोग कपड़ा वगैरह यूज़ करते हैं काटन के, और यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं, मैंने ज़्यादा कुछ भी मेहनत नहीं की, मैंने एक स्ट्रेनर की मदद से इसे, जब ये नीम गर्म था तो मैंने इसको जो है वो छान लिया था। ये आपके सामने है कुछ इस तरह की जेल जो है वो आपको नज़र आ रही है। आप इसमें चाहें तो एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं, आप इसमें चाहे किसी भी किस्म का कोकोनट ऑयल, बादाम का ऑयल या जैतून का तेल भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप इसमें ऐड करके अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यही जेल अप्लाई की है क्योंकि मैंने कहा है कि मैं सिर्फ ओनली वन इन्ग्रीडियंट्स आपको बता रही हूँ, तो ओनली वन इन्ग्रीडियंट से मैंने अपने बालों की तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अब आपने इसे लगाना कैसे, आपने इसे रूट से लेकर स्कैल्प तक अच्छे तरीके से अपने बालों पर लगा रहने देना है 30 मिनट्स तक या 1 आवर तक लगे रहने दें, और उसके बाद आप किसी भी हर्बल शैम्पू से अपनी हेयर को वॉश कर लें, ठीक है। और ये जो वाटर है, ये जो जेल आपकी बन चुकी है, इसे आप 3 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। ये रेमेडीज़ मैं काफ़ी दिनों से इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, आपके बालों की तमाम प्रॉब्लम को ये जो जेल है ये सॉल्व करने वाली है। इसके अलावा आप इसको मुख्तलिफ तरीके से अपने बालों पर अप्लाई कर सकती हैं। तो चलिए, मोर वीडियो वॉच करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।